ये सनातन धर्म है, इसको न रावण का अहंकार मिटा पाया, न कंस, न औरंगजेब। आपत्तिजनक बयाना फिर रोक लगनी चाहिए, निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और जनता के बीच में किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए। राजनीति वही है कि जो भारत की या भारतीय संस्कृति की संप्रभुता को कायम रखा, जो इसके विरोध में बोलता है धर्म उसने आप मिटा देता है। जितने जितने लोग आए भारत में, मुगल आए मिट के चले गए, अंग्रेज आए कि धर्म लेके वो भी मिट के चले गए, आखिर भारतीय संस्कृति फिर स्टालिन के बाद फिर ए राजा ने बयान दिया, स्वामी प्रसाद महोदय भी इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या आप लोग किस तरह से इस पे क्या कोशिश करेंगे कि इस पे रोक लगाई जा सके कि क्या हो? हमने तो बता दिया ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयाना ले रखा है, अब बयाना ले रखा है कि वैसे ही बयान देंगे कि इससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाए, और इसीलिए जहां थे वहां से चले, और जब 5 साल थे एनडीए के साथ तो जैसे जैसे अब वो जहां से अपना ट्रेनिंग, उनको फिर पॉलिटिकल माइलेज कहां से मिलेगा? जहां से ट्रेनिंग लिया है वो, हाँ वहां से शुरू किया उन्होंने, और उसको देखेगा समाजवादी पार्टी समाप्त होगी तभी तो बसपा खड़ी होगी, तब बसपा में जाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं। जो बाइडेन आज हिंदुस्तान आ रहे हैं G20 के मिनिस्टर, यहाँ पे प्रेसिडेंट आ चुके हैं, भारत सौभाग्यशाली है, भारत के कभी विश्व गुरु था भारत, कभी दुनिया का नेतृत्व करता, ज्ञान देने का केंद्र था, विश्वविद्यालय थे जो तस्ला नालंदा विक्रमशिला, आज हम फिर 20 अमीर देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, और फिर हमारे लिए सौभाग्य है कि अमेरिका जो महाशक्ति के रूप में था और भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उठा, आप जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर ले जाके 1 नंबर पर लाने का, और भारत के हर राजनीतिक, हर धर्म, हर जाति के लोगों को गर्व करना चाहिए कि आज के दिन में पूरी दुनिया के 20 अमीर देश ऐसे जो दुनिया को चलाते हों, चाहे अर्थव्यवस्था चाहे टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत भी एक है, और भारत मेजबानी कर रहा है, और भारत में सारे लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब अमीर लोग एक साथ आते हैं तो भारत एक, मतलब वो देश अमीर होता है और उसके जनता जो है वो भी अमीर होता है।